खबर है मिर्जापुर से। इस समय शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। आज यानी 18 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अपने भक्तों को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होती हैं, साथ ही साथ घर से दरिद्रता दूर होती हैं। ऐसे में आज पूजा के साथ माँ कुष्मांडा की आरती जरूर करें, ऐसा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ सूरज कुमार। आप देख रहे हैं कि हम माँ विंध्यवासिनी धाम में खड़े हैं। आज नवरात्र का चौथा दिन है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं भक्त कितने अधिक संख्या में लाइन में लगे हुए हैं, अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कतारबद्ध लगे हुए हैं दर्शन पूजा करने में। और जिस प्रकार से आप देखेंगे काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हैं और उसी प्रकार से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजा कराने के लिए हमारे जनपद मिर्जापुर के पुलिस प्रशासन हो या अन्य पंडा समाज हो, हर प्रकार से लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या श्रद्धालुओं को ना हो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि हर जगह, या यहाँ एक बगल में माता सरस्वती माता भी है और श्रद्धालु बाकायदे परिक्रमा करके और जो भी मंदिरों में विग्रह हैं उनका बाकायदे दर्शन पूजा करने में लगे हुए हैं श्रद्धालु। जिस प्रकार से नवरात्र का आज चौथा दिन है, आज नवरात्र का चौथा दिन है और कुष्मांडा रूप का माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजा हो रहा है और मान्यता यह है कि कुष्मांडा रूप का माँ का दर्शन पूजा करने में करने से और आप देखिए महाराज ये देखिए हमारे साथ कुछ महाराज जी लोग भी आए हैं और ये लोग काफी दूर से आए हैं और इनसे जानना भी चाहेंगे कि दर्शन पूजा करने आए हैं कि क्या करने हैं, नवरात्र पर रुकते हैं। पंडित जी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम प्रयागराज से कुराव से आए हैं। यही एक सहस्त्रचंडी यज्ञ चल रही है, उसी यज्ञ में हम लोग सम्मिलित हैं। अभी संध्या पूजा करने के बाद हम खाली वेदन पाचने माँ का दर्शन कर ले, दर्शन के लिए हम लोग आए। तो हर वर्ष आते हैं? जी हर वर्ष हम लोग यही आते हैं। नौ दिन बराबर रुकते हैं। एक महाविद्या आश्रम है जी। उसी में सहस्रचंडी यज्ञ होता है हर वर्ष। प्रयागराज से? जी देख रहे हैं प्रयागराज से महाराज जी आए हैं और बकायदे यहाँ 9 दिन रहकर पूजा पाठ भी करते हैं। और सहस्रचंडी यज्ञ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे विधि विधान से लोग यहाँ आते हैं नवरात्र में और माँ का दर्शन पूजा भी करते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भक्त हाथों में नारियल फूल प्रसाद चुंदरी सब लिए दर्शन पूजा करने में लगे हुए हैं माँ का। और कुछ श्रद्धालु कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करना चाहेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ लाइन में लगे हुए हैं उनसे सोच रहे हैं कि कुछ बात भी कर लें कि दर्शन पूजा करने आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनसे क्या जानना चाहते हैं। जैसे देखिए ये हाथों में प्रसाद चुंदरी नारियल ये सब माँ को चढ़ता है, ये अर्पित करने के लिए माँ को लेके जा रहे हैं माँ के गर्भगृह में और बकायदे माँ का दर्शन पूजा भी करने हैं। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं, कैसा लगा है, कहाँ से आप लोग आए? हम लोग खजुराहो से आए हैं। खजुराहो से तो दर्शन पूजा करने आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या बदलाव देखा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहली बार नवरात्रि में पहली बार आए हैं, बहुत सुना था, अभी तक आए नहीं थे। हाँ। तो सोचा कि इस बार नवरात्रि में दर्शन करके आए माता रानी के। कैसा लगा, क्या बदलाव आप देखे यहाँ पर? क्या बहुत अच्छा है, यहाँ पे माहौल अच्छा है, शांति है और सफाई है, अच्छा लगा है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। रात से रुके हैं, एकदम प्रशासन सख्त है। मंगला आरती सुबह से ही लगे हुए हैं, ये माँ का दर्शन पूजा करने में लगे हैं। जय हिंद, जय माता की।